जी बेबी कम ना, तो मैं अगर मैं पूछना चाहूं कि इसमें से बेबी कौन है? काफी बेबीज है इसमें. बेबी 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 को बेबी बुलाते हैं एक्चुअली इसमें. उन्होंने जब प्यार आता है तो हम बेबी, वो भी वही मुझे बेबी बोलते हैं, मैं इसको बेबी बोलता हूँ, ये उसको बेबी बोलते हैं, ये उसको बेबी बोलते हैं, सब एक दूसरे के. कंफ्यूजन के लिए तो हमने इतना बनाया, मेहनत की कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो कंफ्यूजन तो होना चाहिए. अच्छा अच्छा, एक्चुअली ना ये भी होना चाहिए कि बेबी कम ना बेबी कमी ना. वो भी हो सकता है क्योंकि वो इतने कमीने हैं सब सब लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, स्पेशली ये दो किरदार जो है कि बेचारी ये दो भोली भाली लड़कियों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे फंसाते रहते हैं, और अगर जब खुद फंस जाते हैं तो उसमें से निकलने के लिए फिर क्या क्या करते हैं, वो सारा कन्फ्यूजन इसमें है. भोली भाली मैं नहीं हूँ इसमें स्पेशली. नो नहीं, मैं मतलब भोली भाली हूँ एक 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 जरिए से, बट आई थिंक शिफाली का किरदार ज़्यादा भोला है इसमें हम दोनों के बीच में. मैं सूफी का किरदार निभाती हूँ इसमें, और वो एक मॉडल है, एक इंडिपेंडेंट लेडी है जो अपनी बीवी को सपोर्ट भी करती हैं मॉनिटरली फाइनेंशियली. सारे बिल इसके जितने हैं, आधे बिल ये भरती है, आधे बिल बेचारी वो भरती है. हाँ ना, ये बोली नहीं, ये बेवकूफ है, ये प्यार में अंधी है, इसको कुछ दिखता ही नहीं है, इसके लिए बस आदि है जो उसका बेबी है, और बस वो ये सोचती रहती है कि सब कुछ इतना ठीक है, हमारे बीच में इतना प्यार है, आदि मुझसे शादी क्यों नहीं करता, और थोड़ा शक होता है, और फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है. थोड़ा शक होता है, फिर व्हाट द होता है. ये तो आपको देखना पड़ेगा. मतलब अभी अभी आप सोचो कि मतलब शादी कर लेगा तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ना उसके लिए. वो कैसे हो जाएगा? एंड मतलब ये जैसे मैंने कहा कि आधे बिल्स ये भरती है, तो इसको उससे कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे आधे बिल वो भरती है, उनको फ़ायदे मिलते हैं, तो वो दोनों नहीं चाहती कि शादी हो जाए. मैं तो चाहता हूँ कि मैं गरीब है ना बेबी. है ना बेबी, कुछ स्टोरी बनाते हैं रोज ये नई 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 कि आज तुम मंगलिक हो, तुम शादी नहीं कर सकती, या मम्मी थोड़ी अपसेट है, कभी मम्मी का बहाना, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, बस प्यार करना है, शादी नहीं करनी. सब कुछ रेडी है, शादी को बहुत सीरियसली लेता है और ये नहीं चाहता है कि वो तीन तीन लोगों के साथ एक टाइम पे शादी करे. सो दैट्स व्हाई बहुत सीरियसली हमारे बारे में सोच के बहुत अच्छी तरह से धर्म मतलब गलत ना हो जाए कुछ. कि दो दो से कैसे शादी इंसान कर सकता है? दो दो गर्लफ्रेंड्स ठीक है, खेलने कूदने की उम्र है, खेल तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. जी जी जी. हाँ, रैप वैप करते हैं. योयो, हाँ योयो कैरेक्टर का नाम है, और जो आदि की मदद करने निकले हैं और खुद ही ऐसे फंसते जाते हैं अपने इसमें कि इनका खुद का परिवार टूट रहा है, अपनी बीवी से रिश्ता टूट रहा है, लेकिन फिर भी आदि की मदद कर रहे हैं. आदि धमकी देता रहता है कि भाई ये नहीं करोगे तो तुम्हारा मतलब घर परिवार और टूट जाएगा. इस चक्कर में वो किसी तरह आदि का सहारा बने बैठे हैं, लेकिन आदि बहुत इस्तेमाल करता है उसे बेचारे को. बड़ा बुरा लगा मुझे अपने आप के लिए, बहुत इस्तेमाल किया आदि ने, और ऐसा इस्तेमाल किया कि आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी इसका जीवन तो तहस नहस हो गया. बस कुछ ही घंटे आदि बाकी रह गए हैं, बस 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 बेबी कम आपको रिलीज होने में. बिल्कुल बिल्कुल. तो बताइए कि ओवरऑल एकता जी का ये ऑल्ट बालाजी है, यहाँ पर शूटिंग के दौरान ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान एकता कपूर जी के साथ? ये शूटिंग का तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट हम लोग हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि यू नो बहुत कम सेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप वाकई में इतना एंजॉय करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि दो चार दिन शूटिंग और होती तो मज़ा आ जाता. सो वो तो टीम इतनी अच्छी बन गई है कि हम चाहेंगे कि लोग इसको पसंद करें ताकि इसका सीज़न 2 बने और दोबारा इसी टीम के साथ हमें काम करने का मौका मिले. सो दैट वाज द काइंड ऑफ रैपो दैट सीज़न 2 में शिफाली और मैं 2 टाइम करेंगे दो दूसरे लोगों के साथ. सो लाइक 2 हीरोइंस 4 हीरोज टाइप्स डन. आई लाइक इट, आई लाइक इट. ये इसका जवाब
जवाब सिर्फ एकता कपूर जी दे सकती हैं कि अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अगर वो चाहे तो शादी हो जाएगी ना। शादी करके क्या करेंगे, फिर तो नॉटी कहाँ से होगा, फिर नॉटीनेस खत्म, कहाँ शादी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, इतने खेलने के दिन है। आइडिया अच्छी है, सोचो कि अभी तो वो दोनों को ऐसे फंसा रहा है कि भैया तू गर्लफ्रेंड शादी कर लेगा, दोनों के साथ बोलेगा तू मेरी बीवी और फिर टू टाइम करेगा। मेहनत के लिए तैयार है तो नहीं नहीं आप नहीं, जब ये शो देखेंगे ना आपको आपको दूल्हे के दूल्हे पे रहम आएगा। सॉरी सेम थिंग, आपको दूल्हे पे रहम आएगा इस exactly. शो में। आप शो देखो आपको पता चलेगा बिचारा कौन है और छिछोरा कौन है। फर्स्ट नवंबर को रिलीज हो रहा है एंड यू नो वी आर हैप्पी कि ये ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है, बिकॉज उनका अगर आप बुके देखेंगे शोज़ का तो उसमें हर किस्म के शोज़ है, मतलब बोस भी है, टेस्ट केस भी है, होम भी है और एक बेबी कमना भी है। सो एंड वी आर हैप्पी कि वो जिस शो के पीछे जो ऐसा ही शो करते जिसके बारे में वो कन्विंस्ड हो, और जब वो कन्विंस हो जाते तो फिर पूरी ताकत के साथ उसके पीछे खड़े रहते। सो वी आर हैप्पी दैट दिस इज़ लॉन्चिंग ऑन ऑल्ट बालाजी एंड वी जस्ट होप कि हमने जितनी मज़ा शूट करने में किया है उतना लोग देखने में भी एंजॉय करें। मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है फर्स्ट नवंबर, सो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बच्चे का 12वां जन्मदिन है कल, सो आई एम द बेस्ट डे, थैंक यू सो मच। सो मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इट्स रिलीजिंग ऑन फर्स्ट नवंबर, सो प्लीज़ वॉच इट। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है एंड बहुत ही सुपरलेटिव स्टार कास्ट है इस, और बहुत मज़ा आया काम करने में इस शो में, सो प्लीज़ वॉच इट एंड सेलिब्रेट योर दिवाली विद बेबी कमना। मैं यो यो के अंदाज में क्या बोलूँ, यो लेकिन हाँ, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग इसलिए कि मेरी पहली वेब सीरीज़ है और वेब पर मैंने बहुत सारे शोज़ देखे हैं, देख के मेरा एक्साइटमेंट इतना बड़ा है कि भाई वेब पे अब काम करना है और ये मेरा पहला काम है, आगे भी आई एम श्योर करूँगा लेकिन पहला तो ये है, तो हर पहली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, दिल के करीब होती है। तो आप कल इसे देखिए, स्ट्रीमिंग टुमारो, स्ट्रीम ये नया शब्द मैंने इधर इसी से सीखा है वेब से, पहले कभी इतना मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बट स्ट्रीमिंग टुमारो, सो वॉच इट। पुरानी बातें उखाड़ के लेके आ रहे हैं आप जी, हमें समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी जी जी, लेकिन मुद्दा उठाने वाले अभी भी हर जगह बैठे हैं भाई, मुद्दा उठाने वाले जो सीरियस मुद्दा ही उठना चाहिए, और ये आप प्रेस वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज सपोर्ट करें कि वेब न्यूट्रलिटी रहे, मतलब इस पे कुछ भी सेंसरशिप नहीं आए, इट्स आवर लास्ट बास्टियन ऑफ फ्रीडम, प्लीज कीप इट दैट वे। क्या बोलूं मैं, फर्स्ट ऑफ नवंबर आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरा फर्स्ट वेब सीरीज, क्या मेरा फर्स्ट एक्टिंग डेब्यू है ये, तो मैं यही चाहूँगी कि जितना प्यार आपने मुझे काटा लगा के वक्त दिया था उतना प्यार मुझे इस वक्त भी दीजिए। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम श्योर यू गाइज विल हैव अ लॉट ऑफ फन, इज दिस बेबी कमना इज गोइंग टू मेक योर फेस्टिव सीजन इवन मोर फेस्टिव एंड इवन मोर स्पेशल। So much and good luck.